सुप्रभात, आज का टॉपिक यहाँ से शुरू करते हैं। कुर्सी किस चीज से बनी होती है? शाबाश, कुर्सी लकड़ी से बनी होती है। लकड़ी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? लकड़ी हमें पेड़ से प्राप्त होती है। पेड़ पे किसका घोंसला होता है? पेड़ पर चिड़िया का घोंसला होता है। क्या तुमने कभी चिड़िया की बच्ची की कहानी के बारे में सुना है? नहीं सुना होगा, तो आज मैं तुम्हें चिड़िया की बच्ची कहानी के बारे में बताऊंगी। सभी लोग अपनी पुस्तक खोल लो। माधवदास ने अपनी संगमरमर की नई कोठी बनाई है। उसके सामने बहुत सुहाना बगीचा भी लगाया है। उस बगीचे में एक चिड़िया उथल पुथल कर रही थी। तभी माधवदास ने चिड़िया से कहा, यह बगीचा तो मेरा है, यह संगमरमर की कोठी भी मेरी है, लेकिन इन सबको तुम अपना समझ सकती हो। सब कुछ तुम्हारा है। तुम भोली हो, कैसी प्यारी हो। आओ जाओ, नहीं बैठो, मेरा मन तुमसे बहुत खुश होता है। चिड़िया बहुत कुछ सकुचा गई। उसे बोध हुआ कि यह उसने गलती तो नहीं कर दी कि वह यहाँ आ गई। उसका थिरकना रुक गया। भयभीत सी वह बोली, मैं थिरक कर यहाँ आ गई थी। बगीचा आपका है, मुझे माफ करना। माधवदास ने कहा, मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा चित प्रफुल्लित हुआ। मेरा महल भी सुना है, वहाँ कोई भी चहकता नहीं है। तुम्हें देखकर मेरी रागनियों का जी बदलेगा। तुम कैसी प्यारी हो, यहाँ ही तुम क्यों ना हो। चिड़िया बोली, मैं अपने माँ के पास जा रही हूँ। इसमें जो माधवदास है ये है और चिड़िया ये है, ये चित्रमय और ये इसकी क्या है, इसकी संगमरमर की कोठी है। ये इसको क्या दे रहा है? लालच दे रहा है। तो इसके जो कठिन शब्द है मैं तुम्हें बताती हूँ। जैसे सबसे पहले क्या आ रहा है? संकुचा। मतलब संकुचा का है भयभीत। इसका अर्थ हुआ भयभीत। फिर दूसरा, इसका जो वाक्य प्रयोग तुम करोगे माधवदास को देख चिड़िया भयभीत हो गई। और दूसरा है इसका प्रफुल्लित। क्या है? प्रफुल्लित। इसका जो अर्थ हुआ वो है प्रसन्न। इसका वाक्य क्या होगा? माधवदास चिड़िया को देख प्रसन्न हो गया। अब उसके बाद हम इसी से जो मैं तुम्हें कहानी पढ़ाई थी उसी से कुछ प्रश्न पूछूंगी। देखो, इस पहले इसको देख लो। संकुचित का हुआ अर्थ भयभीत होना। वाक्य प्रयोग में माधवदास को देख चिड़िया भयभीत हो गई। प्रफुल्लित मतलब प्रसन्न। माधवदास चिड़िया को देख प्रसन्न हो गया। ये इसके क्या है? अर्थ और वाक्य प्रयोग। इसी के आगे मैं तुम्हें प्रश्न बताती हूँ। इसी से पहला प्रश्न क्या होगा? महल किस का
बना था। तो उत्तर में क्या आएगा? महल। संगमरमर का बना था। डाल पर कौन बैठा था? दूसरा प्रश्न है, डाल पर कौन बैठा था? तो उत्तर क्या आएगा? डाल पर चिड़िया की बच्ची बैठी थी। इसका क्या आएगा? देखो, महल किसका बना था? तो उत्तर में क्या आएगा? महल संगमरमर का बना था। दूसरा प्रश्न, डाल पर कौन बैठा था? तो उत्तर में आएगा, डाल पर चिड़िया की बच्ची बैठी थी। इसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखो, फिर मैं तुम्हें ग्रह कार्य भी दे रही हूँ। ग्रह कार्य, ग्रह कार्य में आएगा चिड़िया की बच्ची कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? इसे ग्रह कार्य है। तो ग्रह कार्य में क्या लिखोगे? चिड़िया की बच्ची से, बच्ची की कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? इसे कल तुम ग्रह कार्य में करके लाओ।